तो दोस्तों, अभी जैसा कि आप सबने ये इंट्रो देखा और आप सबको ये देखने के बाद मैं जानता हूँ आप सबको ये लगा होगा कि हम कोई इवेंट या फिर कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक कॉन्टेस्ट का वीडियो था दिल्ली एनिमे क्लब में का, जब जनवरी के महीने में वहाँ सिंगिंग कॉन्टेस्ट हुआ था। तो और उस कॉन्टेस्ट में आप सबको मैं बता दूँ, एक ही विनर चुना जाना था, मगर वहाँ दो विनर चुने गए और वो दोनों विनर हमारे ही टीम के थे, जिनका नाम था किमी और हिनू। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, एक विनर के होते हुए वहाँ दूसरे विनर का आना, जबकि दोनों ही फर्स्ट प्लेस पे हैं, उन दोनों का कौन सा पहला स्थान था ये अच्छे से बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ने ऐसा गाया था, इतना अच्छा गाया था कि वहाँ जितने भी जजेस थे सारे के सारे हैरान थे। सिंगर के लिए कितनी प्राउड की बात होती है जब वो कोई कॉन्टेस्ट जीतता है सिंगिंग का। तो लेकिन दोस्तों, उनसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी, क्योंकि वो लोगों ने हिंदी में गाना गाया था मेरे लिखे हुए सॉन्ग्स को। तो अभी आप सब समझ चुके होंगे कि मुझे एज अ लीडर कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी जब वो दोनों विनर हुए थे। लेकिन दोस्तों, असल मसला यहाँ ये नहीं है कि दो दो विनर चुने गए थे, ये तब की बात थी, लेकिन अब की बात कुछ और है। तब मेरे पास सिंगर्स थे और वो मेरा गुरूर था, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स थे, मुझे खुद में प्राउड फील होता था कि मैं इतने अच्छे सिंगर्स का लीडर हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त अपना पासा जब पलटता है तो कितना बुरा होता है, तो ऐसा ही आज के डेट में मेरे साथ हो गया है। मेरे पास तब सिंगर्स की भरमार थी, लेकिन अब मेरे पास गाने के लिए कोई भी सिंगर अवेलेबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी सिंगर नहीं है, सिंगर्स हैं मेरे पास, अब भी सिंगर्स हैं, बट वो जुनून नहीं है। मेरा ये पूरा TOS टीम जो था, तीन सिंगर्स के बलबूते चलता था, हिनू, किमी और पूर्वा। ये तीनों के भरोसे मैं अपना पूरा का पूरा टीम चलाता था और पूरा का पूरा चैनल इन्हीं तीनों के बदौलत चलता था। जैसा कि आप सब चैनल पे ही चेक कर सकते हैं, ज़्यादातर सॉन्ग हिनू, किमी और पूर्वा के ही हैं। उनके अलावा कुछ और सिंगर्स का भी सॉन्ग है, बट बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है। एक दो सॉन्ग ही हैं जो दूसरे सिंगर्स ने कवर किया है और बाकी सारे सॉन्ग्स हिनू, किमी और पूर्वा के ही हैं। तो आप सब समझ ही सकते हैं कि मेरे लिए और इस पूरे के पूरे चैनल के लिए ये तीनों सिंगर्स कितने ज़्यादा मायने रखते थे। जब कोई भी सॉन्ग प्रोजेक्ट ये तीनों को मैं पहुंचाता था, तो ये तीनों में एक अलग जुनून, एक अलग सा जज्बा मुझे दिखाई देता था कि चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद मुझे ये वाला सॉन्ग करना है, मुझे वो वाला सॉन्ग करना है, इस आप ये वाला लिरिक्स लिख देना, लीडर ये वाला लिरिक्स लिख देना। मतलब ऐसा बहुत, सच में बहुत ज़्यादा मैं मिस करता हूँ अब। तो वो जो तीनों सिंगर्स थे, वो तीनों के तीनों में गाने का जुनून था। वो तीनों गाना इसलिए नहीं गाते थे कि उन्हें गाना गा करके बहुत ज़्यादा आगे एकदम टॉप क्लास पे पहुँचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तीनों गाना इसलिए गाते थे क्योंकि उन तीनों को बस मज़े लेने हैं। और सच बताऊं तो किसी चीज़ में सक्सेस पाने का यही एक तरीका होता है, सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका होता है कि उसके पीछे इस तरीके से मत भागो कि वो मंजिल तुमसे और ज़्यादा दूर चले जाए, बल्कि उस मंजिल के लिए इस कदर जज्बा इकट्ठा करो, ऐसा मौज मस्ती में तैयार हो जाओ ताकि उसी मौज मस्ती में तुम खुद ब खुद अपने मंजिल को पहुंच जाओ और वो मंजिल भी तुम्हारे करीब आना चाहे। लेकिन अब के सिंगर्स जो मेरे हैं, वो पहली बात तो गाना दूर की बात है और उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, उनको पहले अपना खुद का क्लास वर्क देखना है, होमवर्क देखना है, तो ये सारी चीज़ों में उनको टाइम लग जाता है। उनके कॉलेज चल रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें देखना है और उन्हें इस वजह से यही मेन रीज़न है कि वो सारे लोग अभी गाना बिल्कुल नहीं गा सकते। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं अपने टीम को कभी भी ऐसे फोर्सफुली कभी यूज़ नहीं किया, मैं अपने आप को कभी भी लीडर होना नहीं जताता था। आप बाकी सारे टीम के लीडर्स देखें और मुझे उनसे कंपेयर करके देखें, मैं एक ऐसा लीडर हूँ जो मैं हमेशा उनके प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, उन्हें पूरा चांस देता हूँ, उन्हें पूरा टाइम देता हूँ ताकि वो अपने हिसाब से तैयार हो सकें और फिर उसके बाद से मुझे अपना काम कंप्लीट करके दे सकें। लेकिन अभी मैं बात करूँ कि मेरे सिंगर्स जो तीन थे, किमी, हिनू और पूर्वा, आखिर ये मेरे तीनों सिंगर्स गए कहाँ? तो आपके सवाल मैं जानता हूँ यही है, लेकिन आप सबके जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये तीनों के तीनों को कुछ ना कुछ रीज़न से जाना पड़ा।
पहले लीव हुआ हिनू का, हिनू को कुछ इस रीज़न से जाना पड़ा क्योंकि उसके पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा आ रहे थे, उसके पर्सनल मैटर्स में कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रहे थे तो उसे जाना पड़ा। फिर उसके बाद से बारी आई किमी की, किमी की भी पढ़ाई रुक रही थी, उसे हॉस्टल जाना था। और मैं सच बताऊँ तो हॉस्टल का हाल आप सब बेहतर जानते हैं मुझसे, क्योंकि मैं कभी हॉस्टल में रहा नहीं हूँ, और जो रह चुके हैं वो जानते हैं कि एक हॉस्टल में रहने के बाद रिकॉर्डिंग तो दूर की बात है, किसी से अगर फ़ोन में बात करना चाहो तो भी जल्दी ना कर पाएं। और फिर उसके बाद से बारी आती है पूर्वा की। अब पूर्वा की प्रॉब्लम है उसका खुद का पढ़ाई, जो कि अब उसका 12th है, और फिर उसके बाद उसको आगे भी तैयारी करना है, प्लस उसके घर का काम, तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो रहा था, प्लस वो एक अकेली सिंगर बच रही थी जिसको मैं काम देता, तो उसके ऊपर वर्कलोड मेरे तरफ से भी ज़्यादा होता, उसके स्कूल और उसके घर वालों के तरफ से भी ज़्यादा होता, इसलिए उसको टीम मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए तो छोड़ना पड़ा है, लेकिन चांस मुझे कम ही लग रहे हैं इन तीनों के वापसी का। कैसा भी सॉन्ग हो उसको हम लोग अपने तरीके से उसको डब करते थे, उसको कवर करते थे, और फिर उसके बाद से उसे पूरा ओरिजिनल फील देने की कोशिश करते थे। और जहाँ तक हमें लगता था कि हम अपने नाम की ही तरह काम कर रहे हैं, ऑफिशियल देने का पूरा कोशिश करते थे हम उन्हें। कई सारे लोग का कमेंट ऐसा होता था कि अगर कभी ये एनिमे डब होता है तो ये वाला सॉन्ग ज़रूर उन्हें हिंदी डब में ऑफिशियली रूप से रखना चाहिए। तो मैं आप सबका ऐसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सबको हमारे काम इतने ज़्यादा पसंद आए। तो दोस्तों, मुझे ऐसा सिंगर चाहिए जो कम से कम वीक में एक सॉन्ग दे सके मुझे गा करके। अगर आप में से कोई ऐसा है, लड़का या लड़की कोई भी, तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा ऑफिशियल सिंगर्स के, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और बात रही कि क्या अब मैं इस टीम को बंद कर दूंगा, इस चैनल को बंद कर दूंगा, तो मैं पहले यही सोच रहा था कि अब बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर मैं सोचा कि बंद करने का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि मैं भी सिंगिंग कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक कंडीशन है और मेरे कुछ लिमिट्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे नहीं गा सकता, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने बैरिकेड्स मेरा सॉन्ग सुना होगा, तो वो बैरिकेड्स में मैंने हाई स्केल में ले जाते वक्त काफ़ी दिक्कत की और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उसके ट्यूनिंग को देने में, उसके बैकिंग वोकल्स को भी मैं अच्छे से नहीं कर पाया, तो वो मैंने पूरे तरीके से लीव ही कर दिया था, बस मैं अपना स्केल डाउन करके उसका बैकिंग वोकल दिया था। तो मैं अब ये कर सकता हूँ कि कोई भी सॉन्ग अगर मैं लिखता हूँ, भले ही वो फीमेल वर्जन हो या मेल वर्जन हो, या पावरफुल हो या रोमांटिक हो, तो उसका मैं एक ही काम करूँगा कि मैं जब उसका सॉन्ग रिकॉर्ड करूँगा तो वो लोफाई वर्जन होगा। तो लोफाई वर्जन इसलिए क्योंकि लोफाई वर्जन आप जानते हैं काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, और वो चीज़ मैं अच्छी तरीके से कवर कर सकता हूँ, ये मुझे पूरा यकीन है, और वो चीज़ मेरे आवाज़ पे भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी लगेगी। आगे आपका डिसाइड होगा कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं। और फिर उसके बाद से मेरा दूसरा प्रोग्राम ये है कि मुझे जितना आता है, मैं जितना लिरिक्स के बारे में जानता हूँ, म्यूज़िक के बारे में जानता हूँ, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप आगे आएँ और एनिमे कम्युनिटी की मदद करें। अभी जैसा कि एनिमे हिंदी में डब होना शुरू हो गया है, तो अगर आप एनिमे डब होने के साथ अगर कवर पे भी ध्यान देते हैं और लिरिक्स को सुधार करके लिखते हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि आपके सॉन्ग टीवी पर आएँ और अच्छे तरीके से एयर किए जाएँ एनिमे के साथ। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो इंडिया की एनिमे कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी इससे। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट जो इंटरेस्टेड हैं सॉन्ग सीखने पे, वो हमेशा रेगुलरली मेरे क्लास को फॉलो करें, और मुझे जितना आता है वो सब मैं आपको सिखाऊँ। तो वो सारे लेसन को आपको बस खाली अपने दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब से यही कंटेंट होगा, मैं लोफाई वर्जन में ही गाना गाऊंगा, और फिर उसके बाद से मैं आपको लेसन भी दूंगा। हर वीक कम से कम मैं एक दो लेसन देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो बस दोस्तों, इतना ही था मुझे कहना था, जानता हूँ काफ़ी लंबा खींच दिया मैंने वीडियो। और चैनल पे नया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको आने वाले सॉन्ग्स और वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आप सबसे फिर मिलूंगा, मैं हूँ इसहाक, आप देख रहे थे द ऑफिशियल सिंगर्स। अपना ख्याल रखें।